What's up guys, welcome back to our channel. Hope you guys are doing good. And what was the last stand-up comedy we did? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. अनुराग अनुभव सिंह बस्सी. So, जब भी वो वाला हम लोग ने किया तभी many of you said कि react to this one as well. We have been getting so many comments about this. And this is, my name is Harsh Gujral. Harsh Gujral के stand-up देखने वाले हैं for the first time. Alright, so let's start. Let's start. पिज़्ज़ा गर्म तो नहीं है भाई साहब, आपने गलत जगह रखा हुआ. Oh my God. Nice, welcome to the show. कैसे हैं आप लोग, मजा आ रहा है जिंदगी? बेचो मंडे को चुटकुले सुनने तुमको है. हमें नहीं पता था इतनी भीड़ आएगी. कोरोना का हाल क्या कर दिया तुमने दिल्ली वाले, ये बेचो कोरोना के ऊपर से निकल गए. हमारे कानपुर में तो एक लौंडे को वैक्सीन बोल के रोबजा का इंजेक्शन लगा दिया. उसका कोरोना पता नहीं, उसकी शुगर 400 हो गई. पगला गए. आपको वीडियो लेनी है मैम, मेरी आंख खींचे प्लीज. ओह माय गॉड. हाँ हाँ लो, और बताओ. आप 6000 रुपये तो मैं पोल डांस करूंगा. बॉर्न आफ्टर थ्री सिस्टर, तो अगर आप 3 महीनों के बाद पैदा होते हो ना. क्या करके? What? ये कौन सी औरत थी? You didn't hear? No. There was like a weird noise. That I heard, but I don't know what that person said or whatever. ये तो वो सब टीवी का करेक्टर नहीं है कोई. ये बाबू जी गले में जलता हुआ कोयला रखी है क्या? मैं 3 महीनों के बाद पैदा हुआ हूँ. अगर आप 3 महीनों के बाद पैदा होते हो ना, इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि मैं इस दुनिया में प्यार की वजह से नहीं आया. पॉइंट. अपने माँ बाप की जरूरत ही तो दाम है. Oh my God. What was that laugh? Yo, I think I will laugh like this if I'm like jor jor se without any consideration for other people. Clearly. तेरी boyfriend की तो फटी रहती होगी. आधी रात को उठा baby एक kiss. तीन महीनों के बाद पैदा हूँ. मेरे बाप मुझे अक्सर कहते हैं कि हर्ष बेटा मैंने कभी जिंदगी में हार नहीं मानी. मैंने मुझे पता है पापा. मैं ही तो आपकी जीत हूँ. अगर आप 3 महीनों के बाद पैदा होते हो तो आपका कंपटीशन घर पे लड़कियों से है ना, और लड़कियों से आज के टाइम पे आप कम्पीट कर नहीं सकते क्योंकि लड़कियाँ पैदा हो रही हैं डेलीकेट सोफेस्टिकेटेड इंटेलिजेंट हैं, और लौंडे पैदा हो रहे हैं लुच्चे. ये पैंचन लफंगी कौम है. आप देखो लड़की जब पैदा होती है तो डॉक्टर तौलिए में लपेट के लाता है कि बहन जी अगर अच्छा डॉक्टर हो इन चार चूतियों को. यो इज फनी. डॉक्टर तौलिए में लपेट के लाता है कि बहन जी ध्यान से लक्ष्मी हुई है, प्लीज ध्यान से पकड़िएगा. ध्यान जब तक पकड़ा नहीं देता पूछता रहता है. लौंडो को तौलिया तो पैदा होता ही नसीब नहीं है, यूं खींचता है डॉक्टर, यूं दोनों टांगों से नंगा पकड़ा हुआ और गांड पे मारता हूँ कि चल क्या है, चल तुझे आगे चल के फेमिनिज्म सीखना चल. मैंने जिंदगी में कोई लड़की नहीं देखी जो 500 सब्जेक्ट में स्कूल में फेल हो जाती हो. पॉइंट ही नहीं, लौंडे हमारे साथ ऐसे ऐसे थे कानपुर में, बाय गॉड 500 सब्जेक्ट में तो उनका बनता था फेल होना. उसके अलावा ड्रॉइंग क्राफ्ट, ये उन लोगों के पट्टे एनवायरमेंटल स्टडीज में फेल हो रहे हैं. इन हरामजादों से पेड़ की फोटो नहीं पहचानी जा रही. मेरे साथ का एक लौंडा पेड़ के नीचे कैट लिख के आ गया. What? और टीचर से बकचोदी कर रहा, टीचर कह रही बिल्ली क्या कर रही पेड़ के नीचे, कह रहा छांव में बैठी तुम्हें दिक्कत है. Oh my God. हाँ.
इतनी महंगाई बढ़ रही थी, मेरे बाप परेशान थे। मैंने कहा गुजराल साहब तुमने इतनी महंगाई में चार बच्चे क्यों कर लिए? तो मेरे बाप कह रहे ऐसा है जब हम कर रहे थे तब इतनी महंगाई नहीं थी। मैंने कहा अच्छा, सेंसेक्स की उछाल के हिसाब से हमारे घर पे मूड बन रहा था कि भाग्यवान सुनती हो आज गोल्ड का रेट बहुत कम। मैंने कहा आपने सही नहीं किया चार बच्चे करके, तुम्हारी वजह से ये तीन महीने पैदा हुई तुम्हें लाने के चक्कर में, मेरी वजह से? मैं तो था भी नहीं मार्केट में, मैं तो खुद बहुत लेट पहुंचा हूँ मार्केट में, एंजॉयमेंट का सारा इल्जाम हमारे सर पे डाल दिया। मैंने कहा मेरी क्या गलती है? पापा कह रहे तुम पहले आ जाते तो ये तीन तो ना होती, पहले आ जाता मम्मी के पेट के अंदर छुप के बैठा हुआ था, पेट के अंदर कोई स्पर्मों की रेस चल रही थी जिसमें मैं जो बहनों वाले तेज भाग रहे थे हम जान मुझके लगा। पहले किसी से कहो अंदर पिज्जा देके जाए। Yo, this guy is amazing. Oh my god. Woo! Oh my goodness. Boss, 15 minute ka video aur abhi khali 5 minute hue and this has been a we laughter riot. Yeah. Oh my god. Crazy. Meri kya galti hai? Keh raha har saal to baap se jawan ladha raha hai lekin bachpan mein mante mangi hai tab jaake tu paida hua hai. Aur mujhe bachpan mein lagne laga tha ki hum sab manton se hi aa rahe hain. Shaam ko mannat mangi, subah bachcha deliver. Lekin ab bade ho gaye, pata lag gaya hai. बायोलॉजिकल प्रोसेस भी कोई चीज है। तो अब हमारे बाप हमें डांट नहीं सकते क्योंकि वो कभी भी डांटते ना कि हर्ष बाप से जवान मत लड़ा बेटा, बचपन में मन्नतें मांगी हैं तब जाके तू पैदा। मैं बीच में ही रोक देता हूँ कि पापा माफ करना, लेकिन उसे मन्नत नहीं कहते। और अगर कहते भी तो आपने फिर उस दिन मुझे इतनी तेज चाटा के मारा जब आपने मुझे रंगे हाथों मन्नतें मांग के पकड़ लिया। ओह माय गॉड, आप लोग विश्वास नहीं करोगे, मेरे बाप बीच मन्नत याद में कान पकड़े उठा, मेरी मन्नत भी पूरी होने दी। Yo, legit. Oh my God. लोग कहते हैं आप तीन महीनों के बाद पैदा होते हो तो आप घर के लाडले होते हो, कोई लाडले नहीं होते, सिर्फ हैरेसमेंट होता है लड़कों का। हाँ सही बता रहा हूँ, सिर्फ हैरेसमेंट होता है। इतना ज्यादा हुआ मेरा कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए 5-6 साल की उम्र तक लड़कों वाले कपड़े तक नहीं खरीदे। मैं जब भी कहता था मम्मी कपड़े तो कहती थी ये बहनों की फ्रॉक है पहन के चलो। तो मैं कहता था ये, तो कहती थी हाँ अभी कौन सा पता लग रहा है। जो पता नहीं लग रहा तो जमीर बेच दे क्या। लड़कों का आत्म सम्मान कोई चीज नहीं होती। हमारी बहनें देखो पिंक फ्रॉक में कैसी डॉल जैसी लगती, वो सुंदर थी लगती थी। मैंने पहली बार पिंक फ्रॉक पहनी, मैं बहन डॉल लग रहा था। ऐसे बेबुनियादी सा बच्चा नहीं होता कि ऐसे मन करे हाथ में डाल छोड़ दो बहन कि ठां बजे जमीन पे। हमारे घर में ना एक मास्टर जी तीनों बहनों को डांस सिखाने आते थे, देखते होते हैं ना है? और मैं छोटा था, मैं बगल में फ्रॉक पहन के बैठा रहता था। तो एक दिन मास्टर जी ऐसे करते करते बिदक गए, मेरी मम्मी से कह रहे ये चौथी वाली को क्यों नहीं डांस सिखाती हो, ये पूरा दिन यहाँ कोने में बैठ के लॉलीपॉप चूसती है। तो मेरी माँ ने मुझे डिफेंड पता कैसे किया, कह रहे नहीं नहीं मास्टर जी आप गलत समझ रहे हैं, आपको गलत लग रहा है, मेरी फ्रॉक उठा दी है तो लड़का है। ये कुत्ते बस घर के इकलौते बेटे को इंट्रोड्यूस कर। ओह माय गॉड, इसीलिए बचपन में नंगे पैर मंदिर जाते थे कि बेटे को ही नंगा कर दो। तो मास्टर जी ऐसे 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 कर रहे थे, ऐसे रह गए। पता नहीं कुतुब मीनार दिख गया हमको क्या हुआ, मुझे क्या हुआ था, वन पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लाइफ में लगने लगा था कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का ये तरीका है। कि जैसे ही बोले इंट्रोड्यूस योरसेल्फ तो माय नेम इज गुजराल। हाँ क्योंकि मैं स्कूल गया, स्कूल में हमारे फैंसी ड्रेस कंपटीशन था और माँ ने मेरी सिंड्रेला बना के भेजा। वाह, और टीचर कह रही सब बच्चे जब एक एक करके स्टेज पे आएंगे तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे। मैंने कहा सबके तुमको नहीं आता, मैंने कहा बिल्कुल आता है। कह रही एक बार करके दिखाओगे, मैंने कहा माय नेम इज गुजराल। That is your name. That's how it is. My name is. Kutub Minar repeat ho raha hai. Oh my god. Oh my god.
अरे वो भी सोच रहा है भरी हुई औरत है ओ गॉड डैम गॉड डैम सैवेज इन द ऑडियंस ऑडियंस ओ भाई साहब तुम्हारे साथ यार राजपाल यादव चल रहा है इसका मतलब ये थोड़ी नहीं सर नहीं दिस गाय ओ माय गॉड वैसे भी हम मूंगफलियों से बात नहीं करते यो लेट दिस बी अ लेसन नेवर हैकल इन स्टैंड अप कॉमेडी एंड स्पेशली जब भी ऐसा कोई स्टेज पे रहेगा तो अभी उसने तो हैकल कर दिया और सामने से उसके साथ जो उसका बंदा था बेचारा दैट फेलो गॉट रोस्टेड ओह माय गॉड मैंने इतनी बकचोद ऑडियंस कभी नहीं देखी है ये पहला शो है जो औरतें बकचोद आ रखी भाई साहब आप तो सच में लग गए आपका जो हमारी जनरेशन कहाँ जा रही है मुझे फ्रॉक पहन के क्रिकेट खेलने भेज देते थे ये लोग यूपी के लड़के इतने हरामी है ना मैं जैसे ही पहुंचता था मैदान में कहते थे विकेट कीपर बनो इतने बड़े विकेट कीपिंग ग्लव्स पहन के मैं यूं बैठा हूं वो भागता हुआ बॉलर आ रहा है वो रुक जा रहा हमसे गेंद नहीं डाली जा रही भाई अंपायर यू की जगह यूं खड़ा किया आउट है मैं तो कह रहा हूं इन है मैं बैटिंग करूंगा या बॉलिंग कह रहे तुम नाचोगी हर चौके के बाद कथन करोगी तुम हाँ आपकी तीन छोड़ो आपकी एक भी बहन हो आपके ऊपर प्रेशर होता है एक भी बहन हो मैं आपको बता रहा हूँ मैं बचपन में 1 रुपया मांगता था च्युइंगम खाने के लिए मेरी माँ कहती थी हर्ष बेटा बहनों की शादी करनी क्या खाने के लिए च्युइंगम ही सेज च्युइंगम बट वहाँ पे चिंगम लिखा हुआ है मैं हमेशा बोलता मैं चिंगम बोलता तो चीज लेकिन चिंगम इज च्युइंगम यू लाइक अरे बस दैट इज द स्लैंग दैट इज हाउ यू से चिंगम टीम चिंगम फॉर लाइफ लेट्स गो कहती थी हर्ष बेटा बहनों की शादी करनी बेटा 1 रुपए के चिंगम के लिए इकट्ठा करना और मैं सोचता था ये कौन से लड़के वाले हैं जो दहेज में बूम बूम बूमर मारते हैं ये कौन चूतिया दूल्हा है जो मेरी बहन को अल्पली के चक्कर में रिजेक्ट कर जा रहा है हमने करी फिर बहनों की शादी हमने तीनों कर दी हम खुद ही इतना परेशान हो गए थे बहुत परेशान हो जाते थे मुझे लगता था वो सुंदर बहुत है मैं सांवला सा हूँ एक दिन मैं कमरे में घुसा लॉक लगा इनका मेकअप बॉक्स खोला अंदर से क्रीम लगा के रगड़ लिया मैंने कहा आज कोरा होके ही निकलूंगा मैं बाहर निकला मुंह धोया बहन जो ये और ये दोनों गायब शीशे में मैंने देखा मेरी ऐसी चीख निकल गई मैं और नॉर्मल चीख नहीं थी डॉक्टर बुला के यहाँ चीरा मरवा के रुकवाई है कोई ऑप्शन नहीं मम्मी मुझे लोकल पार्लर लेगी उसने मेरे यहाँ स्केच पेन से बना दी मैंने और गर्मियों में स्कूल में बैठे ये बह रही है टीचर कह रही हर्ष बेटा तुम्हारी आईब्रोज कहाँ जा रही है मैंने कहा सैर करने निकली है तो परेशान वापस आ जाएंगे तुम्हें कुछ मंगवाना हो तो हमने इसीलिए शादी कर दी और हम हमारे बाप को हमारी भी शादी करनी तुम बड़े हो गए ये वो हमने कहा नहीं करनी शादी मेरे को कह रही नहीं मेरा एक दोस्त है उसकी बेटी ने तुम्हें पसंद कर लिया कह रही मुझे चाहिए सस्ता विकी कौशल रसगुल्ला खा रहे थे मैं अंदर हल्का हल्का टचअप ले रहा था समधी जी ने बोला कि गुजराल साहब मुंह दिखाई का टाइम हो गया बेटे को बुलाइए जब मैं बाहर आया समधी जी के मुंह से रस अलग भैंचो गुल्ला अलग बेटी उनकी जमीन पे फटी हालत में समधी जी ने बोला कि गुजराल साहब ये कौन है मैंने कहा पापा एक मिनट मैं बताऊंगा माय नेम इज हर्ष गुजराल क्रेजी लेट्स गो तुम इमेजिन कर रहे हो क्या मेरे को ऐसा मौज कर दी बेटे
तुम्हें रात को नींद नहीं आएगी मेरा सोच सोच के मुझे डीएम कर मैं फोटो भेजूंगा उसके बाद तुझे रात को ऐसी नींद आएगी हमके भी ले रहे हमको बताइए क्या करता है दोस्त स्टूडेंट हूँ बीबीए एक लौंडा हमारे साथ बीबीए कर रहा है उसको नींद नहीं आ रही क्या करना चाहिए Boss, yo, crazy. The audience is also. बहुत बढ़िया पीछे वालों. Back benches. असली बच्चों तो हो. Back benches OP. बेटे कर ले बेटा. मतलब बाप का पैसा दोबारा बर्बाद कर. बहुत पैसा बाप के पास. अंधा पैसा बाप के पास. Age कितनी है तेरी? Age कितनी है तेरी? 19 साल अंधा पैसा पापा के पास लमसम 19 साल में कितना खर्चा किया होगा तेरे ऊपर फिर आइडिया कुछ भी 1 करोड़ रुपए 19 साल पहले 5 रुपए यूज कर लेते हैं Oh my goodness! This was crazy. Oh my god! पीछे mic drop लिखा था और last में जो legit mic drop दिया हर्ष ने crazy stuff. Oh my goodness! Now we know why so many of you were requesting for this video. My god, you guys, thank you. Another gem. यार अभी तो और भी देखने पड़ेंगे यार इसके दिस गाइस इज नेक्स्ट लेवल यू नो व्हाट आई लव दैट ही इज सो मच आउट देयर लाइक ही इज सो लाउड ऑन द स्टेज लाइक यू नो कि आपका वो अटेंशन ग्रैब करता है ही इज लाइक दैट एंड दैट इज आई थिंक अ मस्ट हैव फॉर अ स्टैंड अप कॉमेडियन यार Yeah. You amazing. And also the audience here was like, oh god. Another successful stand-up reaction जहाँ पे This has started paining and when this starts paining, it means it was next level and we enjoyed it thoroughly. Oh my God, I just love it. His Crazy. Sense of humor, Crazy. His jokes, everything was amazing. Yo, I don't have... मैं नहीं मैं बात नहीं कर सकता मैं थोड़ा भी ये कर रहा हूँ मेरे को यहाँ पे एक्चुअल दर्द हो रहा है और जब भी ऐसे स्टैंड अप वीडियोस आई सी आई ऑलवेज फील कि यू नो व्हाई वी हैव नेवर गॉन टू अ स्टैंड अप कॉमेडी सीरियसली एंड कभी का ये वीडियो है April 19, 2021 एक्चुअली यार ये मतलब इतने अभी अभी लेजिट हुआ है सो जा सकते हैं अपन भी लेकिन यार तो फिर भी अभी हम लोग को थोड़ा सा रिस्क लगता है यार ये टाइम पे जाने के लिए I don't have the courage to go out yet थोड़ा और क्लियर अप होने के बाद में मेबी वैक्सीन वैक्सीन लेने के बाद में थोड़ा विल सी या बट डेफिनेटली वी विल गो वंस 100% एंड नाउ दे ही इज ऑन माय प्रायोरिटी लिस्ट टू आई एब्सोल्युटली लव्ड इट अभी देयर आर टू पीपल जिनका स्टैंड अप मुझे देखना ही देखना है वन इज अनुभव एंड वन इज हर्ष लाइक दीस टू पीपल आई हैव टू गो एनीहाउ ऑलराइट सो दिस विल बी इट ओह माय गॉड You give the outro, I cannot. This is just pinning too much here. Thank you very much for making us a part of your day. We hope you guys enjoyed the video. If you did, be sure to drop a like and we'll see you guys in the next one.